नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय सीताराम, जय जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र कहता है कि अपने घर के मुख्य द्वार के साथ बहुत सारी सावधानियां बरतनी चाहिए हमें, क्योंकि ये ना केवल आपका प्रवेश द्वार है बल्कि आपकी खुशियों का दरवाजा भी यही है। नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा भी इसी दरवाजे से घर के अंदर और बाहर आती जाती रहती हैं। तो अगर आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा भरी हुई है, घर के सदस्यों में आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, या फिर आपकी तरक्की नहीं हो पा रही है, पैसों की तंगी हमेशा बनी रहती है और लाख कोशिशों के बाद भी की जेब खाली की खाली ही रहती है, तो घर की महिलाओं को सुबह दरवाजा खोलते ही ये काम जरूर करना चाहिए। इससे न केवल आप मालामाल होंगी बल्कि आपके पति का पर्स भी हमेशा पैसों से भरा रहेगा। लेकिन कौन से हैं वो उपाय? तो दोस्तों, इन उपायों की जानकारी खुद बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार ने अपने एक प्रवचन के दौरान अपने भक्तों को दी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। तो दोस्तों, स्वागत है आपका सीताराम टीवी पर। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, घर का मुख्य दरवाजा यानी हमारी खुशियों का दरवाजा, ये दरवाजा अपने साथ नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा को अंदर लेकर भी आता है और हमारी खुशियों का भंडार भी यही दरवाजा है। वास्तु कहता है कि अगर घर का मुख्य द्वार वास्तु शास्त्र के हिसाब से बना है तो न केवल घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी बल्कि घर में रहने वाले सदस्यों का स्वास्थ्य भी हमेशा ठीक रहेगा। तभी तो हमारी दादी नानी के जमाने से ही घर के मुख्य द्वार को सजाने की परंपरा चली आ रही है। अब चाहे कोई तीज त्योहार हो या फिर कोई शुभ काम, तोरण और रंगोली तो घर के मुख्य द्वार की शोभा बढ़ाते ही हैं। लेकिन बागेश्वर धाम के बालाजी सरकार कहते हैं कि आपके घर का मुख्य द्वार आपके घर के कई वास्तु दोषों को भी दूर कर सकता है, अगर आप इन उपायों को अपनाते हैं तो। तो चलिए वो उपाय क्या हैं ये भी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, एक गणेश जी की प्रतिमा को आप बाजार से लेकर आइए और आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे के बाहर इस गणेश जी की प्रतिमा को लगा देना है। लेकिन घर के बाहर गणेश जी को विराजमान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उनका चेहरा घर के अंदर की तरफ और उनकी पीठ घर के बाहर की तरफ हो, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि गणेश जी की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है और गणेश जी के चेहरे की तरफ शुभ और लाभ के साथ साथ रिद्धि और सिद्धि भी बसे रहते हैं। तो अगर गणेश जी का चेहरा हमारे घर में होगा तो हमारे घर के सभी काम मंगलमय हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो आप गणेश जी की दो प्रतिमा भी लगा सकते हैं। अब इन्हें कैसे लगाना है ये भी सुनिए। तो आपको घर के मुख्य द्वार के ऊपर की तरफ दोनों गणेश जी की प्रतिमाओं को लगाना है। आपको एक गणेश जी की प्रतिमा अंदर की तरफ लगानी है और एक बाहर की तरफ। इन्हें लगाते समय आप ध्यान रखें कि दोनों गणेश जी की प्रतिमा इस तरह से लगी होनी चाहिए कि उनकी पीठ आपस में चिपकी हो और एक मूर्ति में गणेश जी का चेहरा बाहर की तरफ और दूसरी मूर्ति में उनका चेहरा अंदर की तरफ दिखाई दे। ऐसा करने से भी आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी। इसी के साथ आप एक आईना भी घर के मुख्य द्वार पर लगा सकती हैं। ये भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर से ही वापस भेज देता है। और अगर आप गणेश जी की प्रतिमा अपने घर में लगा रहे हैं तो इसके लिए बुधवार का दिन चुनें और प्रत्येक बुधवार को गणेश जी की पूजा करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ अगर हो सके तो अपने घर पर शुक्रवार के दिन अशोक के पत्ते की बनी हुई तोरण जरूर लगाएं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो अशोक का पत्ता लेकर उस पर मौली बांधिए और इसे अपने घर के मुख्य दरवाजे पर टांग दीजिए। ऐसा करने से आपके घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी हमेशा आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। इसके अलावा जब भी आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रंग रोगन का काम करवाएं तो अपने घर के मुख्य दरवाजे को पीला, लाल, मैरून जैसे शुभ रंगों से ही सजाएं और हो सके तो घर के मुख्य दरवाजे पर पक्के रंगों से रंगोली जरूर बनवाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में अपनी कृपा बनाए रखती हैं। दोस्तों, साथ ही वास्तु शास्त्र कहता है कि अपने घर के मेन गेट पर आप ओम गणेशाय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः या फिर शुभ लाभ स्वास्तिक और ओम का चिन्ह जरूर अंकित करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। घर के मुख्य दरवाजे पर ये पवित्र शब्द घर की पवित्रता बनाए रखेंगे और आपके घर में हमेशा धन की बढ़ोतरी होती रहेगी। साथ ही आपके घर में सुख शांति भी बनी रहेगी और घर के सदस्यों में आपस में प्रेम का भाव भी बना रहेगा।
इसी के साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर घर के अंदर की तरफ तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। तुलसी के बारे में कहावत है कि अगर तुलसी आपके आंगन में या फिर आपके मुख्य दरवाजे पर होती है तो बाहर से आने वाली आला बला को ये तुलसी अपने ऊपर ले लेती है और आपके घर में प्रवेश नहीं करने देती। साथ ही तुलसी का पौधा जितना हरा भरा रहता है आपके घर परिवार में खुशियाँ भी उसी तरह से हरी भरी रहती हैं और आपके घर की बीमारियाँ भी खत्म हो जाती हैं। वास्तुशास्त्र चमेली का पौधा लगाने की भी सलाह देता है। इससे आपके घर में खुशबू का माहौल हमेशा रहता है और खुशबू सकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ खींच कर लेकर आती है। तो अगर आप इन दोनों पौधों को अपने घर के मुख्य दरवाजे पर लगाएंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी और आपका जीवन खुशहाल तो होगा ही और आप धन से मालामाल भी रहेंगे। लेकिन हर रोज सुबह घर की स्त्री को तुलसी को शुद्ध जल से सींच कर उस पर दिया जरूर जलाना है। और अगर आप महालक्ष्मी की कृपा चाहती हैं तो अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर जब भी आप पोछा लगाएं तो आप उस पानी में नमक और चुटकी भर हल्दी जरूर डाल दें और फिर उसके बाद आप इस पानी से अपने घर में और घर के मुख्य द्वार पर पोछा लगाएं। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी और आपको धन धान्य से मालामाल कर देंगी। लेकिन ध्यान रहे कि आपको बृहस्पतिवार वाले दिन हल्दी और नमक का पोछा नहीं लगाना है क्योंकि ये दिन बृहस्पति देव का होता है। इनकी पूजा में नमक का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ये दोष माना जाता है। और अगर आपको अपने घर में कोई जादू टोना या फिर कोई बुरी शक्तियों का आभास होता है तो आप सुबह उठकर अपने घर में झाड़ू लगाने से पहले 2 बाल्टी पानी भरिए और इस पानी को अपने घर के मुख्य द्वार पर डाल दीजिए। अब इस पानी से मुख्य द्वार को साफ करने के बाद आपको अपने घर में झाड़ू जरूर लगानी है। ऐसा कहते हैं कि अगर आप झाड़ू लगाने से पहले 2 बाल्टी पानी मुख्य दरवाजे पर डाल देती हैं तो इससे जिसने भी आपके घर पर जादू टोना तंत्र मंत्र किए हैं वह सभी उस व्यक्ति के पास वापस चले जाते हैं और आपका घर सुख शांति से भर जाता है। साथ ही गुरु जी का वो उपाय भी सुन लीजिए जिसे घर की औरतों को सुबह दरवाजा खोलते ही करना है जिससे वो मालामाल हो सकती हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि घर की महिलाओं को सबसे पहले सुबह उठते ही अपने घर के मुख्य दरवाजे पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करना चाहिए क्योंकि इससे हमारा घर मुख्य दरवाजा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है। अब गंगा जल के छिड़काव के बाद आपको अपने दरवाजे पर हल्दी से स्वास्तिक जरूर बनाना है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आपको गंगा जल का छिड़काव करके स्वास्तिक बनाने का ये उपाय ब्रह्म मुहूर्त में यानी सूर्योदय से पहले ही करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रात पहले ही अपने घर के रसोई में घर में तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर रख देना है। अब सुबह उठकर इस जल में थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी हल्दी मिलाएं और फिर इसका छिड़काव अपने दरवाजे पर करें। अगर आप इस उपाय को हर रोज नहीं करना चाहते हैं तो शुक्रवार और शनिवार वाले दिन इस उपाय को जरूर ही करें और उपाय को करते समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। और इस बात का खास ख्याल रखें कि जब आप दरवाजे पर छिड़काव कर रहे हों तो आपको ना तो कोई देखे और ना ही कोई टोके। ऐसा करने से इस उपाय का पूरा फल आपको मिलता है और आपके घर के मुख्य दरवाजे से भी सभी देवी देवता आपके घर में प्रवेश करते हैं और आपको आपका मनचाहा फल देकर मालामाल बना सकते हैं। तो ये थे गुरुजी के बताए हुए वो उपाय जो आपको मालामाल बना देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि गुरुजी की बताई हुई ये बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय हनुमान, जय सीताराम जरूर लिखें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करके बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।